हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? दशहरे का टाइम आ गया है और ऐसे में मैं आपको कोई रेमेडी ना बताऊं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेके आ गई हूँ, जिसमें आप इसको कुछ टाइम तक यूज करेंगे। इससे ज़्यादा मतलब ये खास करके मैं दशहरे के समय नज़र में रखते हुए ये रेमेडी लेके आई हूँ कि इसको आप डेली यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उससे आपके चेहरे पर अगर दाग धब्बे पिंपल्स का प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही आसानी से ठीक करके आपकी स्किन को बिल्कुल चमका देगा, क्योंकि दशहरे के बाद करवा चौथ बहुत सारी फेस्टिवल आ रही हैं। इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले देखिए, आप लोगों का कमेंट आता है कि मैडम आपका रंग गोरा है इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसी बातें नहीं है कि आप मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहते रही हूँ ना कि आपको मैं काले से गोरे बना दूंगी। मैं यहाँ पे हमेशा क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग स्किन का बात करती हूँ हमेशा अपने चेहरे पर, क्योंकि अगर पिंपल्स अगर आपके फेस में कोई इसी तरह का दाग हो, अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे भी हो तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वही अगर आपका स्किन श्यामला है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनिंग है तो वो कितनी सुंदर लगती है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बोलती हूँ, स्किन को खूबसूरत ग्लोइंग बनाने की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ना कि आपको गोरा काला बनाने का। आप लोग हमेशा मुझे यही कमेंट करते हो, तो प्लीज़ आगे से इस तरह का कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर मेरे बारे में सोचें। तो चलिए बहुत बातें कर ली, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये हमेशा के तरह, जैसे आप लोग जानते हो कि मैं इजी से इजी चीज़ें और आपके पास जो अवेलेबल है वैसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसके लिए आपको कहीं ना जाना पड़े। इसी बात में वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं और बेल को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, मैंने इसके लिए लिया है कॉफ़ी पाउडर, और इस कॉफ़ी पाउडर को मैंने थोड़ा सा चला दिया है ग्राइंडर में, क्योंकि मुझे जो दाने वाले होते हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। उसमें मैंने डाला है हनी, आप सबको पता है हनी हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है। उसमें डाला मैंने ये दूध, ये काऊ कच्चा दूध है, और ये मैंने थोड़ी सी डाली है कस्तूरी हल्दी। बस ये चार चीज़ें इनफ है आपके स्किन को ब्राइटनिंग ग्लोइंग खूबसूरत दिखाने के लिए। बस आप इसको सुबह फेस वॉश की तरह भी चेहरे पे लगा सकते हैं और अब चमक जाइएगा इस दशहरे, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें।